गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक विल बी स्टार्ट नर्वस सिस्टम ऑफ हार्मोनिया। नर्वस सिस्टम इज द मेन फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द एनिमल बॉडी। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हार्मोनिया का बताया, आज हम आपको नर्वस सिस्टम ऑफ हार्मोनिया, नर्वस सिस्टम के बारे में जो है आपको डिटेल से समझाऊंगा। और नर्वस सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है, एनिमल्स के बॉडी में जो सूचना केंद्र होता है, जो सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है, वो आपका नर्व्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। और बॉडी में दो ही आपके कार्ड्स होते हैं, एक नर्व कार्ड और दूसरा रोटो कार्ड। जो कि नर्व कार्ड्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, और जो नर्वस सिस्टम है उसका कार्य होता है कि बॉडी में इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो हार्मोनिया में जो नर्वस सिस्टम है वो मेनली सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। तो इसमें हमने आपको ग्रीन बोर्ड पे नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ डिफाइन किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। द एडल्ट नर्वस सिस्टम इज क्वाइट सिंपल एंड डीजनरेट। तो एडल्ट एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम होगा वो सिंपल एंड डीजनरेट टाइप से होता है। इट इंक्लूड ए पिंकिश इलांगेटेड एंड अबाउट 4 mm लॉन्ग सॉलिड नर्व गैंग्लियन, सो कॉल्ड ब्रेन आर सेरिब्रल गैंग्लिया। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम है जो उसमें इंक्लूड्स होते हैं नर्व्स, वो आपके पिंकिश कलर्स होते हैं, लंबे होते हैं, और उनका जो साइज है वो 4 mm लॉन्ग होता है, मीन्स 4 mm लॉन्ग होते हैं। और ठोस आपके नर्व गैंग्लियंस होते हैं, ठोस आपके जो गैंग्लिया है वो होंगे, जिसे हम ब्रेन आर सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं। आप तो या तो सेरिब्रल गैंग्लिया को ही ब्रेन कहते हैं, तो आप ब्रेन कह सकते हैं या सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं। जो ठोस आपका जो है होते हैं, जो ठोस टाइप के होते हैं, भले ही नर्वस सिस्टम सिंपल दिया गया, लेकिन में जो ब्रेन है वो बिल्कुल आपका ठोस टाइप से होगा। नेक्स्ट ये है कि लाइंग इम्बीडेड इन द मेंटल ऑन द डार्सल साइड बिटवीन द टू साइफन। और मेनली आपके हार्मोनिया के बॉडी में दो साइफन्स होते हैं, एक आपका ब्रांचियल साइफन, दूसरा एट्रियल साइफन। जो कि ब्रांचियल साइफन्स में आपके माउथ का निर्माण होता है, एट्रियल साइफन में एनस पार्ट्स पाए जाते हैं। तो जो नर्व होते हैं वो आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन जो है देते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर्स में है आपके मेनली जो ब्रांचियल साइफन्स और एट्रियल साइफन्स, और ब्रांचियल साइफन्स और एट्रियल साइफन्स में 4 लोब आर लिफ्ट पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल उसको जो है ढके रहते हैं। और इनमें जो नर्व्स होते हैं, अब आपके नर्व्स भी एंटीरियर और पोस्टीरियर दो नर्व्स दिखाए गए कि ब्रांचियल जो साइफन्स है इसमें आपके एंटीरियर जो नर्व और पोस्टीरियर जो है एट्रियल एपर्चर और एट्रियल साइफन्स में दिखाए गए हैं। और इनको जो मेन जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं वो आपके नर्व गैंग्लियंस हैं जो जोड़ रहे हैं इसको। और इनमें दो आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर जो नर्व फाइबर्स हैं वो आपके ब्रांचियल
साइफन में एंटीरियर नर्व फाइबर्स और पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स आपके जो है एट्रियल साइफन में पाए गए हैं, जो कि मेनली आप एलिमेंट्री कैनाल्स में भी पढ़े थे कि ब्रांचियल साइफन्स और एट्रियल दो साइफन्स बॉडी में जो होते हैं वहाँ पे आपका जो मेन माउथ और एनस पार्ट तो होते हैं उनमें आपको जैसे भोजन ग्रहण करने के यहाँ पे टेंटिकल्स होंगे, तो टेंटिकल्स को एक्टिव करने के लिए जो है नर्व्स पाए जाते हैं। तो इसमें आपके जो ब्रांचियल्स एपर्चर हैं वहाँ पे आपका एंटीरियर नर्व फाइबर्स और जो एट्रियल एपर्चर हैं वहाँ पे पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बाइपोलर एंड मल्टीपोलर नर्व सेल्स, जो ब्रेन इनका बना होता है उसमें बाइपोलर सेल्स या मल्टीपोलर सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। एंड ए नेटवर्क ऑफ रेमिफाइंग नर्व फाइबर्स, इट कंट्रोल द बॉडी रिफ्लेक्सेस, और ये नर्व फाइबर्स जो है आपके बॉडी को जो है कंट्रोलिंग करते हैं, रिफ्लेक्सेस में आपका जो है कि वो कंट्रोल करने, नर्वस सिस्टम का जो मेन वर्क हमने बताया कि वो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपने नर्व की सहायता से इसको कंट्रोल करते हैं और वो इंफॉर्मेशन देते हैं। फ्रॉम द ब्रेन थ्री नर्व्स इमर्ज आउट एंटीरियरली टू इनर्वेट द ब्रांचियल साइफन एंड टू नर्व पोस्टीरियर टू एट्रियल साइफन। तो जो एट्रियल साइफन्स हैं उसमें आपके टू नर्व पाए जाते हैं और इनमें जो मेनली जो नर्व कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं इसमें थ्री स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं नर्व कॉम्प्लेक्सेस में। तो यहाँ पे द न्यूरल ग्लैंड्स पहला स्ट्रक्चर, सेकंड नर्व गैंग्लियन आर ब्रेन, थर्ड द डार्सल ट्यूबरकल्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज न्यूरल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे मेनली जो नर्व सिस्टम है यहाँ पे नर्व में आपको जो सिंपल टाइप का हर्डमानियम में दिखाया गया, तो यहाँ पे कुछ जो है कि न्यूरॉन्स भी आपके पाए जाते हैं और सोडियम और पोटेशियम जो आयन्स होते हैं जिसकी सहायता से वो नर्व्स को एक्टिवेट करते हैं। और ये हमारा जो नर्वस सिस्टम हम आपको बता रहे हैं हर्डमानिया का, इसमें जो आपके डार्सल और न्यूरल ग्लैंड्स भी हैं जो कि न्यूरल ग्लैंड्स आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी वर्क करते हैं। तो मेनली जो नर्वस सिस्टम है वो हर एक ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं और एक तरीके से जो नर्वस सिस्टम है आपका बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स हैं तो उसको कैसे वो सूचनाओं को पहुंचाता है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो, जितने भी आपके सिस्टम हैं वो मेन आपको हर ये नर्व, जैसे एंटीरियर पार्ट्स में नर्व हैं या पोस्टीरियर पार्ट्स में नर्व हैं, तो पूरी तरीके से वो कैसे इन्फॉर्मेट कर रहे हैं। और मेनली यहाँ पे जो सेरिब्रल गैंग्लिया और ब्रेन है वही टोटल इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है और धीरे धीरे वो फिर डिफरेंट जो नर्व है बॉडी में उनको जो है इन्फॉर्मेशन को देता है और धीरे धीरे वो एक तरीके से जो है कि पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो आपका न्यूरल कॉम्प्लेक्स की बात आई, तो न्यूरल कॉम्प्लेक्स में थ्री स्ट्रक्चर जो हमने आपको बताया कि जो न्यूरल ग्लैंड्स है, न्यूरल ग्लैंड्स का जो फंक्शन है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में करते हैं, नर्व गैंग्लियन आर ब्रेन जो कि नर्व जो गैंग्लियन आर ब्रेन में जो नर्व होते हैं टोटल वो पार्ट ऑफ बॉडी में जितने भी वर्क्स होते हैं वो कंट्रोलिंग करते हैं, और द डार्सल ट्यूबरकल आर कलेक्टिवली रेफर टू एज अ न्यूरल कॉम्प्लेक्स, और जो डार्सल जो ट्यूबरकल पार्ट्स हैं वो आपके न्यूरल कॉम्प्लेक्स जो एक तरीके से जो है इसको कंट्रोलिंग करता है। तो ये आपका जो सिस्टम है वो सिंपल था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको लेके आ रहे हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ हर्डमानिया। तो हर्डमानिया में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो आपके जो है कि फाइव टाइप के हैं, जो कि मैंने पूरी तरीके से जो है इसमें जो है स्पेशली नहीं दिखाए गए हैं, लॉकिंग होते हैं, लेकिन जैसे इसमें टैंगो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है, रियो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर हैं।
अब यहाँ पे जैसे अगर मान ली देखा जाए तो ह्यूमन की बॉडी में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो वैसे यहाँ पे हड़माने की बॉडी में भी सेंस ऑर्गन पाए गए हैं जो कि 5 टाइप्स हैं। और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो टैंगो रिसेप्टर है वो टचिंग करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम आपको अपनी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आपका सेंस ऑर्गन ऑफ हड़वानिया। जो हड़वानिया में सेंस ऑर्गन कौन कौन से पाए जाएंगे, यहाँ मेनली आपके जो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन ऑफ हड़वानिया इज लॉकिंग। हाउएवर सेवरल सिंपल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड और एग्रीगेटेड सेल्स विथ नर्व एंडिंग रिप्रेजेंट द रिसेप्टर्स। तो मेनली तो इसमें जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं वो लॉकिंग होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट जो है इसमें दिखाए भी गए हैं जनरल तरीके से, जो कि फर्स्ट आपका टैंगो रिसेप्टर्स, सेकंड फोटो रिसेप्टर्स, थर्ड रियो रिसेप्टर्स, फोर्थ थर्मो रिसेप्टर्स, 5 कीमो रिसेप्टर्स। ये 5 जो है सेंस ऑर्गन्स हड़माने की बॉडी में दिखाए गए हैं जो कि स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स इसमें नहीं है। तो जो टैंगो रिसेप्टर की बात आ रही है, तो टैंगो रिसेप्टर्स मेनली ये टच ऑर्गन्स होते हैं कि सेंसिटिव टू टच दीज सेल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट नॉन वैस्कुलर एरिया ऑफ द टेस्ट एलॉन्ग मार्जिन ऑफ साइफन ओवर टेंटिकल्स एंड कवरिंग वैस्कुलर एम्पली। तो यहाँ पे जो टचिंग वाले ऑर्गन्स होते हैं जैसे टेंटिकल्स है, तो टेंटिकल्स आपके टेस्ट कवरिंग पे जो होगा टेस्ट हड़वानिया में पाए जाते हैं। हड़वानिया की बॉडी का एक प्रोटेक्टिव कवर है टेस्ट। और जो टैंगो रिसेप्टर की बात आई, वहाँ पे टैंगो रिसेप्टर्स मेनली टचिंग जो सेल्स होते हैं जो कि साइफन्स, 2 साइफन्स होते हैं ब्रांचेस और एट्रियल साइफन्स, तो उस पर आपका जो टेस्ट का कवर है, तो एक तरीके से टेस्ट का कवर है वहाँ पे टैंगो रिसेप्टर जो टचिंग ऑर्गन्स है। जैसे अगर मान लीजिए देखा जाए तो ह्यूमन्स की बॉडी में आईज पार्ट होते हैं जो फोटो रिसेप्टर कवर करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे टैंगो रिसेप्टर की बात है तो वो आपका एक तरीके से स्पर्शक वाले जो है सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे जो ब्रांचेस और एट्रियल साइफन्स में आपके जो टेंटिकल्स होते हैं जो कि पूरा जो कवरिंग किए हैं वे वैस्कुलर एम्पली हैं जो एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो टैंगो रिसेप्टर्स और जो फोटो रिसेप्टर्स है, फोटो रिसेप्टर्स एक तरीके से वो फोटो को रिसेप्ट करता है लाइट, सेंसिटिव टू लाइट। जैसे कि हमने आपको डिफिनेशन भी दिया, सेंसिटिव टू लाइट दीज आर पिगमेंटेड सेल कंटेनिंग रेड पिगमेंट ग्रैन्यूल्स लोकेटेड ऑन द मार्जिन ऑफ साइफन्स एंड वैस्कुलर एम्पली। तो मेनली जो फोटो रिसेप्टर का जो वर्क है वो आपका सेंसिटिव टू लाइट का काम करता है, और उसमें कुछ पिगमेंटेड सेल्स होते हैं जैसे आइज में, जो कि वो आपके पिगमेंट ग्रैन्यूल्स जिसकी सहायता से वो एनिमल्स देख करके पता कर सकता है कि इसमें कौन से आपके साइफन्स हैं। और ये मेनली जैसे आपका काम ही होता है कि आप ओपन होने के बाद जो आपके सामने एनिमल्स आते हैं उसकी पहचान कर लेते हैं किस कलर के होंगे, तो वहाँ पे जो पिगमेंट सेल है तो उसमें जो है कलर को पहचानने के लिए पाए जाते हैं। जो आपके थर्ड रियो रिसेप्टर्स ऑर्गन्स हैं, अब जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंस हैं बॉडी के लिए। तो रियो रिसेप्टर की बात आए तो सेंसिटिव टू वाटर करंट्स दीज सेल लाइन द एपिकल मार्जिन ऑफ साइफन। जो रियो रिसेप्टर्स है वो मेनली वाटर करंट को बताने का काम करता है, और वो जो लाइनिंग होती है एपिकल मार्जिन जो कि ब्रांच आपके साइफन्स पे वो काम करते हैं। तो एक तरीके से ब्रांचियल और एट्रियल जो साइफन्स है मेनली वहाँ पे आपके जो सेंस
बताने का काम कर रहा है। वाटर करंट जो ब्रांचियल और एट्रियल साइफन में आपके टेंटिकल्स होते हैं और सीलिया होते हैं, तो एक तरीके से जो टेंटिकल्स है वो वाटर्स को जो है धारा को बताने का काम करता है। नेक्स्ट जो आपका थर्मोरिसेप्टर्स है तो वो बॉडी के अंदर टेम्परेचर्स को बताने का काम करता है, सेंसिटिव टू टेम्परेचर्स दीज सेल लाइन साइफन। साइफन्स में जो आपके लाइन होती है वहाँ पे वो टेम्परेचर्स को बताने का काम करते हैं, टेम्परेचर्स को इंडिकेशन करते हैं। और जो आपके कीमो रिसेप्टर्स सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सेंसिटिव टू केमिकल्स दीज इंक्लूड द टेंटिकल्स, सेंसिटिव टू केमिकल्स दीज इंक्लूड द टेंटिकल्स एंड द डार्सल ट्यूबेरिकल्स। तो जो आपके नर्वस सिस्टम में जो आपके ट्यूबेरिकल्स होते हैं वहाँ पे ये आपके सेंसिटिव जो केमिकल्स आपके रासायनिक उद्दीपन के द्वारा जो है कि वो सेंसरी जो कि जानकारी देता है वो बताता है। तो ये आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये आपके फाइलम कार्डेटा में आप पढ़ रहे हैं। तो कार्डेटा में जो हर्डमानिया आपका टॉपिक है, इसमें आपके जो मेन सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो आपके जो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन हैं वो आपके लॉकिंग हैं, और कुछ जो है उनके सिंपल स्ट्रक्चर के आधार पे जो है आपके 5 सेंस ऑर्गन दिए गए हैं जो कि आपके टैंगो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, रियो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर्स हैं कि अलग अलग काम है। अगर टैंगो रिसेप्टर है तो टचिंग का काम, फोटो रिसेप्टर है तो सेंसिटिव टू लाइट का काम कर रहा है, और आपका जो रियो रिसेप्टर है तो सेंसिटिव टू वाटर करंट्स, और थर्मो रिसेप्टर सेंसिटिव टू टेम्परेचर्स, एंड कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव टू केमिकल्स के आधार पे जितने भी बॉडी में आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हर एक उद्दीपन को जो है एक्टिव कर रहे हैं और उनको जो है कि इंडिकेट कर रहे हैं। तो अभी तक आपने हर्डमानिया में जैसे नर्वस सिस्टम पढ़ा, तो नर्वस सिस्टम में भी आपका जैसे देखे हैं कि वो एक तरीके से बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को जो है इंफॉर्मेशन को इंडिकेशन करता है, तो वैसे ही आपका जो ये सेंस ऑर्गन्स है तो बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स से हर एक ऑर्गन को जो सेंस सेंसिटिव कर रहे हैं, चाहे वो फोटो रिसेप्टर हो, चाहे टैंगो रिसेप्टर हो, चाहे रियो रिसेप्टर हो, चाहे थर्मो रिसेप्टर, क्योंकि बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं तो वो एक तरीके से आपका जो यहाँ पे टचिंग का है, जैसे उसमें आपके जो टेंटिकल्स हैं या सीलिया है तो वो कैसे इंडिकेट करेंगे, तो ये सब ऑर्गन्स में पाए गए हैं। इस तरीके से आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हर्डमानिया में है जो बॉडी के आधार पे स्ट्रक्चर के आधार पे बताए गए हैं। अब इसके बाद हम अगला जो है टॉपिक आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ हर्डमानिया। तो मेनली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया है वो आपके जो हर्मोफ्रोडाइट टाइप के जो है रिप्रोडक्शन होते हैं। तो मेनली हमने आपको अभी तक जो बताया क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन दोनों ही बहुत ही एक तरीके से आपके इम्पॉर्टेंट है। जितने भी हर्डमानिया में आप सिस्टम पढ़ रहे हैं, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा, तो हर एक सिस्टम का अलग अलग रोल होता है, वैसे ही आपके नर्वस सिस्टम और ये सेंसरी ऑर्गन के रोल हैं। तो बॉडी में हर एक ऑर्गन्स के यूजेस होते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, इसको हम आपको जो बताने चल रहे हैं, तो इसमें आपको जो है मेनली जो गोनेट्स, गोनोडक्ट और गैमेट्स पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने आपको भी बता रहे थे स्टूडेंट्स, आपका मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया नेक्स्ट टॉपिक जो है। तो प्रजनन हर्डमानिया में किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मेनली जो हर्डमानिया में रिप्रोडक्शन है वो हर्माफ्रोडाइट टाइप का होता है।
मेल हर्माफ्रोडाइट जो होता है इसको हम बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, द्विलिंगी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हर्माफ्रोडाइट का नाम आता है तो समझ लीजिए कि बाइसेक्सुअल होगा रिप्रोडक्शन। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, उसको ही हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया भी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, द हर्डमानिया ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द हर्माफ्रोडाइटिक, हर्माफ्रोडाइट आर बाइसेक्सुअल होता है। तो अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात आई तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गोनेट्स आता है, फिर गोनोडक्ट आता है, फिर गैमेट आता है। तो यहाँ पे जो गोनेट्स हैं छात्रों, गोनेट्स का जो हम मुख्य कार्य होता है जिसको हम जनित कहते हैं, आ गोनेट्स के द्वारा ही एनिमल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिसकी सहायता से वह रिप्रोड्यूस करता है, उसको एक्साइट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए ये गोनेट्स ही मेन होते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि गोनेट्स को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसको हम प्राथमिक जो है सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं। और मेनली आप जानते हैं कि चाहे वो मेल ऑर्गन्स हो चाहे फीमेल हो, गोनेट्स पाए जाते हैं। बिना गोनेट्स का वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि गोनेट्स एक तरीके से एक्साइटेड करने का काम करता है एनिमल्स के ऑर्गन्स को, जो प्रजनन वाले अंग होते हैं, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल के हो। तो उसमें जो गोनेट्स होते हैं, तो गोनेट्स को हम कह सकते हैं एक लाइन में उसका डिफिनेशन, द गोनेट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ एनिमल्स। एनिमल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गोनेट्स होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। अब जो गोनेट्स की बात आती है, तो गोनेट्स को हमने डिफाइन भी किया है कि गोनेट्स कितने पाए जा सकते हैं बॉडी में। तो यहाँ पे देयर आर टू लार्ज गोनेट्स एम्बेडेड इन द मेंटल एंड बल्जिंग इनटू द प्री ब्रांसियल आर एट्रियल कैविटी। तो जो गोनेट्स होते हैं हर्डमानिया की बॉडी में एट्रियल पार्ट की तरफ होते हैं, और एट्रियल पार्ट में आपके दो गोनेट्स पाए जाते हैं जो कि प्री ब्रांचियल जोन में आर एट्रियल कैविटी में। आप कह सकते हैं प्री ब्रांचियल जोन या तो एट्रियल कैविटी में गोनेट्स अरेंज होते हैं। द राइट गोनेट्स इज सिचुएटेड जस्ट पैरेलल एंड डार्सल टू पेरिकार्डियम, वाइल द लेफ्ट गोनेट लाइज विद इन द इंटेस्टिनल लूप। अब यहाँ पे जो दो गोनेट्स हैं वो मेनली, एक गोनेट जो है डार्सल पेरिकार्डियम पे होगा, और जो लेफ्ट गोनेट्स है, जो राइट गोनेट्स है वो जस्ट पैरेलल एंड द पेरिकार्डियम, डार्सल टू पेरिकार्डियम, और जो सेकेंड गोनेट्स है लेफ्ट गोनेट्स लाइज विद इन द इंटेस्टिनल लूप। तो छात्रों, एक गोनेट इंटेस्टिनल लूप पे और दूसरा गोनेट पेरिकार्डियम पार्ट पे होता है। और गोनेट्स का हमने बताया भी कि गोनेट्स जैसे आपके ये काइंड ऑफ स्पर्म हैं, तो काइंड ऑफ स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए आपके जो ये पॉइंट गोनेट्स हमने बताया, तो गोनेट्स के द्वारा ही यह एक्टिव होता है। और इसके इसी तरह जो है मेच्योर जो ओम का डायग्राम हमने बनाया है, ये भी गोनेट्स के द्वारा ही एक्साइटेड हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो गोनोडक्ट आया दूसरा पॉइंट, गोनेट्स को हम जनित कहते हैं। अब गोनोडक्ट जहाँ पे गोनेट्स कैसे रिलीज करेंगे, चाहे वो भी डक्ट हो चाहे स्पर्मेटिक डक्ट हो, तो उसमें कैसे वो रिलीज करेंगे, तो उसके लिए गोनोडक्ट जो है पॉइंट दिखाया गया है। तो गोनोडक्ट को भी हमने आपको डिफाइन किया कि बीच गोनेट्स हैज टू गोनोडक्ट, मतलब कि बॉडी में टू गोनोडक्ट पाए जाते हैं। ईच गोनेट्स हैज टू गोनोडक्ट, एक गोनेट्स में दो गोनोडक्ट होते हैं,
ओविडक्ट एंड स्पर्मेटिक डक्ट। कौन कौन दो? ओविडक्ट और स्पर्मेटिक डक्ट। दो गोनोडक्ट दो होते हैं, ईच गोनेट फॉर्म द टू गोनोडक्ट, दैट इज फर्स्ट ऑफ द स्पर्मेटिक डक्ट, सेकंड द ओविडक्ट, रनिंग अलॉन्ग द सेंट्रल एक्सिस। वो आपको सेंट्रल एक्सिस पे दिखाया गया। द ओविडक्ट इज ए वाइडर ट्यूब फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ ओवेरियन डक्ट। जो ओविडक्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, चौड़ा होता है, और फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ ओवेरियन डक्ट, और ये यूनियन जो होता है ओवेरियन डक्ट का पाया जाता है। वास्ट डिफरेंस द मच नैरोअर डक्ट। जो स्पर्मेटिक डक्ट है उसमें आपके उसको वास्ट डिफरेंस के नाम से कह सकते हैं, और मच नैरोअर डक्ट वो क्या है, जो स्पर्मेटिक डक्ट होता है वो नैरो ट्यूब होता है, जो ओवम होता है वो आपका एक तरीके से कह सकते हैं ब्रॉड होता है, जैसा कि फिगर में आप खुद देख सकते हैं, जो हमने फिगर आपको दिखाया है, फिगर में आप देख ही रहे हैं कि ये स्पर्मेटिक डक्ट है, ये ओविडक्ट है। स्पर्मेटिक डक्ट जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओविडक्ट जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि गोनोडक्ट की बात आई, तो गोनोडक्ट आपके जो गोनेट्स होते हैं, एक गोनेट्स में आपके दो गोनोडक्ट होते हैं, एक आपका स्पर्मेटिक डक्ट होता है, दूसरा ओविडक्ट होता है। अब स्पर्मेटिक डक्ट जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और ओविडक्ट जो है ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। जब स्पर्म और ओवम एक साथ मिलते हैं तभी वह फर्टिलाइज करके जाइगोट का निर्माण करते हैं एनिमल्स। तो अब यहाँ बात आई गैमेट की। अब देखिए गैमेट मतलब होता है युग्मनस। जैसे कि आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन, और प्रजनन में आपके युग्मनस जो गैमेट होते हैं दो होते हैं, एक आपका फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट हमेशा स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और फीमेल गैमेट हमेशा आपके ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ हमने आपको दिखाया भी कि द टेस्टिकुलर लोब प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोजोआ। जो टेस्टिकुलर, जो टेस्टिस मीन्स वृषण होता है, और वृषण क्या करता है कि वो प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोजोआ को, और स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप कह सकते द टेस्टिकुलर लोब प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। अब जो टेस्टिकुलर लोब है वो स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं। ए मेच्योर स्पर्मेटोजोम आर स्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक एंड अबाउट 4 माइक्रॉन इन लेंथ। जो आपका ये क्या कहते हैं स्पर्म है, इसका एक तरीके से जो आप कहते हैं टेस्टिकुलर लोब से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है, और स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्पर्म माइक्रोस्कोपिक होता है विदाउट नेक। वो एक तरीके से माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको हम उसका परीक्षण कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर हम स्पर्म की बात देखें तो यहाँ स्पर्म आपका ये है जो मेल गैमेट के अंतर्गत आता है। स्पर्म जो है ये आपको देखने में इतना बड़ा है लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, ये माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 4 माइक्रॉन जो होता है लंबा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक एंड अबाउट 4 माइक्रॉन इन लेंथ, ईच हैज एन एंटीरियर ब्रॉड एंड न्यूक्लिएटेड हेड कैप्ड बाय द बीक लाइक एक्रोसोम इन द फ्रंट ए मिडिल पीस और नेक एंड वेरी लॉन्ग स्ट्रेट टेल। द स्पर्म आर द पॉलीमॉर्फिक विद द एट लीस्ट 3 टाइप आर हैविंग एक्रोसोम शॉर्टर इक्वल लॉन्गर, एक्रोसोम शॉर्टर इक्वल लॉन्गर दैन द हेड, हेड की अपेक्षा वो इक्वल लॉन्गर और जो है कि हेड होते हैं। एक तरीके से आपको हम समझा दें कि
जो गैमिट है, गैमिट में हम आपको मेल गैमिट को लेके चल रहे हैं, और मेल गैमिट जो आपका है वो क्या कहते हैं कि देखने में बहुत छोटा होता है, 4 माइक्रॉन। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम अपनी नग्न आँखों से देख नहीं पाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। केवल आपको बता दें कि केवल एक लिक्विड टाइप का मटेरियल दिखेगा, बस एक लिक्विड टाइप का, और उसी में स्पर्म होते हैं, और स्पर्म का जो साइज है वो 4 माइक्रॉन जो लेंथ होता है। अब यहाँ पे हमने काइंड ऑफ स्पर्म का जो फिगर दिखाया कि काइंड ऑफ स्पर्म जो ये है, तो बॉडी में स्पर्म में 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं जो पहला पार्ट है, एक तरीके से ये पार्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट एक क्रोसोम है, सेकंड जो आपका हेड पार्ट है, थर्ड आपका नेक पार्ट है। तो अब हेड, नेक और टेल, एक क्रोसोम तो हेड पार्ट में ही, हेड पार्ट में दो होते हैं, एक आपका एक क्रोसोम होता है, दूसरा आपका जो है न्यूक्लियस होता है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो यह आपका एक्रोसोम पार्ट है, ये आपका बीक लाइक होता है, बीक लाइक जो आपके चोंच के समान होता है, और जो हेड पार्ट होता है थोड़ा ब्रॉड होता है, और टेल आपका एक तरीके से वाइब्रेटेड होता है, एक वाइब्रेट टेल होता है, और वो टेल का मेन वर्क होता है, जैसे मान लीजिए एनिमल्स में जो एक्रोसोम का जो फंक्शन होता है वो ओवम पार्ट को ब्रेक करने का काम करता है। ओवम को कैसे ब्रेक करेगा, वो काम एक्रोसोम करता है, जो हेड पार्ट में ही पाए जाते हैं, और हेड पार्ट में दूसरा ऑर्गन्स जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का काम होता है कि वो एक तरीके से फर्टिलाइज करके एक नए गैमिट्स, एक नए जनरेशन का निर्माण करता है। तो अब जो एक्रोसोम का हमने काम बताया कि वह बीक लाइक स्ट्रक्चर है, वह मतलब बीक लाइक है, वह सबसे पहले अंडे को जो ये है इसको ब्रेक करेगा, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इस तरीके से इसको ब्रेक करता है, इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ये इसको तोड़ने का काम करता है। एक्रोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वह बीक लाइक स्ट्रक्चर है, और एक तरीके से वो काम करता है। और दूसरा पार्ट हेड, जो हेड पार्ट में दूसरा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपका ये एक तरीके से फर्टिलाइज करके आगे जो है कि नया एक नई युग्मनज का निर्माण करने का काम करता है। और टेल जो आपका नेक है वो नैरो पार्ट्स होता है, इसके बाद टेल है, टेल क्या है, वाइब्रेटेड। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब एनिमल्स फर्टिलाइजेशन करता है उस समय टेल का वर्क होता है कि रनिंग करते हुए वह ओवम पार्ट तक पहुंचे, और जो एक्रोसोम होता है उसका मेन वर्क होता है कि यह जो आपका ये क्या कहते हैं कि इनर कोरियान या आउटर कोरियान है उसको तुरंत वो ब्रेक करें। अब ब्रेक करने के बाद ही आपका जो है क्लियर होता है। अब यहाँ पे जो कहते हैं कि स्पर्म की बात आई थी, तो स्पर्म में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, एक आपका एक्रोसोम जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट में ही एक्रोसोम दिखाते हैं, दूसरा है नेक और तीसरा है टेल पार्ट। तो हेड और नेक और टेल, स्पर्म में 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि हेड पार्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप होता है, वह बीक लाइक होता है, और एक्रोसोम का मेन वर्क होता है कि वो ओवम को ब्रेक करता है, तोड़ने का काम करता है। इसके बाद दूसरा पार्ट है कि न्यूक्लियस होता है हेड पार्ट से, और न्यूक्लियस का वर्क होता है कि वो कैसे फ्यूज करेगा, फ्यूज करके जो है कि वो नया गैमेट का निर्माण करता है, और टेल का वर्क होता है कि वो रनिंग करते हुए ओवम पार्ट तक पहुँचता है। अब जो सेकेंड पार्ट की बात आती है कि ओवम, दूसरा टाइप है द ओवेरियस, दूसरा गैमेट, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट को हमने आपको बता दिया कि वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्मेटिक डक्ट होता है, दूसरा होता है ओविडक्ट। अब गैमेट जो ओवम है, द ओवेरियन लोब प्रोड्यूसेस ओवा आर एग्स, ओवेरियन लोब
ओवा का जो है ओवा को प्रोड्यूस करता है। ए मेच्योर ओम इज लार्ज अबाउट 0.3 mm इन डायमीटर। जो ओम है इसका जो साइज है वो 0.3 mm होता है, 0.3 mm इन डायमीटर। जो व्यास है इनका वो डायमीटर होता है, डायमीटर 0.3 mm डायमीटर। एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एलोइस ग्रेनुलेटेड योक इज डिस्ट्रीब्यूटेड द साइटोप्लाज्म। इसमें आपके मेनली जो आपका योक है ओम कंटेनिंग योक, जो एलोइस मटेरियल होता है इसी योक की सहायता से वह एनिमल्स में जो मेच्योर ओम होते हैं जो योक होता है और योक ही एक्टिव करता है ओम को। अगर योक की मात्रा नहीं होगी तो यह जो फीमेल गैमेट होता है वो एक्साइटेड नहीं हो सकता है और न ही रिप्रोड्यूस कर पाएगा। नेक्स्ट ये बात आती है द लार्ज न्यूक्लियस सिचुएटेड ऑन वन साइड। इसमें आपके बड़ा न्यूक्लियस एक साइड, मतलब ओम में एक साइड जो है न्यूक्लियस होता है और इसमें कंटेन आपके क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि यही डिफरेंट करते हैं। जो क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स है एक तरीके से यही फर्टिलाइज करके यही मेल और फीमेल गैमीट को डिफरेंट करने का काम करता है। और यहाँ पे जो आपके सराउंडेड है वो क्या कहते हैं कि मेम्ब्रेन सराउंडेड द ओम, ओम में ओम को 3 मेम्ब्रेन जो सराउंडिंग किए हैं। फर्स्ट है विटेलाइन मेम्ब्रेन, सेकंड है इनर कोरियान मेम्ब्रेन, थर्ड है आउटर कोरियान। तो ये आउटर इनर कोरियान मेम्ब्रेन, आउटर कोरियान मेम्ब्रेन और आपका ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइंस मेम्ब्रेन जो होता है विटेलाइन मेम्ब्रेन्स में ही योग कंटेनिंग होता है। आपके 3 मेम्ब्रेन ओम में 3 मेम्ब्रेन जो है कि सराउंडिंग किए हुए हैं और तीनों मेम्ब्रेन का अलग अलग वर्क है, आउटर इनर और विटेलाइन मेम्ब्रेन्स। विटेलाइन मेम्ब्रेन्स में योग का मटेरियल्स का जो निर्माण होता है और योग मटेरियल एक तरीके से एक्स को एक्टिवेट करते हैं। और इस तरीके से जैसे कि योक मटेरियल है अगर ओम में देखा जाए तो किसी किसी एनिमल्स में योक की मात्रा सबसे अधिक होती है और वही योक जो है एक्टिव करता है एक्स को। और स्पर्म जो है स्पर्म और ओम एक्स जो आपका ओम है उसको फर्टिलाइज करके एक नए जायगोट का निर्माण करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हरमान्य की बॉडी में जो रिप्रोडक्शन होता है जो फर्टिलाइजेशन है वो हर्माफ्रोडाइटिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। और ये इसका जो फर्टिलाइजेशन है वह एक्सटर्नल सी वाटर में होता है, वह सी समुद्री जल में वाह तरीके से होता है। और रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात यह है कि गैमिट का पाया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना गैमिट का कोई भी रिप्रोडक्शन संभव ही नहीं है। तो एक तरीके से हम अगर देखा जाए तो इसमें जो मेनली आपके गोनेट गोनोडक्ट और गैमिट होते हैं इस तरीके से इसे गोनेट्स है। तो गोनेट्स में मेनली आपके जो कि गोनेट्स एक तरीके से प्राइमरी सेक्स आर्गन हम कह सकते हैं और प्राइमरी सेक्स आर्गन है तो वह जो है कि चाहे वो मेल सेक्स हो चाहे फीमेल सेक्स हो उसमें आपके गोनेट्स होते हैं। 2 गोनेट्स पाए जाते हैं और ईच गोनेट्स फाउंड इन 2 गोनोडक्ट, ईच गोनेट्स फाउंड इन 2 गोनोडक्ट, दैट इज फर्स्ट ऑफ द स्पर्मेटिक डक्ट, सेकंड द ओविडक्ट। तो स्पर्मेटिक डक्ट इज प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड ओविडक्ट इज प्रोड्यूसेस ओम। और अब आपको देखा जाए तो जो स्पर्म है ये आपके लंबाई में जो आपके 4 एक तरीके से कह सकते हैं कि यह 4 माइक्रॉन, माइक्रॉन लेंथ, ये 4 माइक्रॉन जो है लंबा होता है जो ये आपका पूरा ये कह सकते हैं कि स्पर्म है। इसमें हमने काइंड ऑफ स्पर्म को दिखाया कि कैसे यह स्पर्म
डेवलपिंग कर